डबल स्टार मिल जाएगा, उसके बाद मर्सिडीज मिल जाएगा, ये मिलेगा हमारे को डबल डिस्क के लिए और सिंगल डिस्क के लिए। ठीक है, सभी जो अलॉयज अभी आपको मिलेंगे सारे ABS वाले मिलेंगे, जो हमारी स्टैंडर्ड होती है BS4 अप टू BS6। 20 स्पोक CNC मिल जाएगा, रेस बाइक की ब्रांडिंग मेड इन इंडिया अलॉय, कलर्ड वाले जो डिजाइन है ये ऑन ऑर्डर आते हैं। सिंगल डिस्क स्टैंडर्ड के अंदर मिल जाता है हमारे को, 13 स्पोक मर्सिडीज वाला लाइन वाला ऑप्शन मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंस क्लासिक पार्ट्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने फेवरेट स्टोर सेंस क्लासिक पार्ट्स पर। मैं हूं आपका होस्ट संदीप आपके साथ, और आज का ये वीडियो एक बार हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने रॉयल एनफील्ड्स के अंदर अलॉय व्हील्स लगवाना चाहते हैं और थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कौन सा लगवाए कौन सा नहीं लगवाना चाहिए, डिजाइन कैसा होना चाहिए, कंपनी कौन सी होनी चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हम एक वीडियो लेके आए आज आपके लिए, और उम्मीद करते हैं कि इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और अगर कंफ्यूजन रह भी जाता है तो हमारा कमेंट सेक्शन खुला रहेगा और आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या कोई और क्वेरी हो तो वो भी हमसे पूछ सकते हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और सबसे पहले बात करते हैं कि रॉयल एनफील्ड की कौन कौन सी बाइक्स अवेलेबल है जिनके लिए अलॉय व्हील्स हमें मिल जाते हैं। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जो मॉडल आता था बिग ड्रम मॉडल जिसे कहते हैं, जिसके अंदर आज हम काम भी कर रहे हैं, जिसके बारे में भी हम आगे वीडियो में आपको दिखाएंगे भी। और जिसे बिग ड्रम जो 2018 तक का मॉडल था, BS4 भी अवेलेबल था, BS3, Euro 2, ये सभी बाइक्स के अलॉय मिल जाएंगे। और बिग ड्रम के अंदर राइट साइड ब्रेक और लेफ्ट साइड ब्रेक, इसमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा का मॉडल का मतलब होता है कि आपकी इलेक्ट्रा हो गई या स्टैंडर्ड हो गई अप टू BS6, यानी 2023 सितंबर तक का जो मॉडल हो गया। जी हाँ दोस्तों, BS4, BS6, BS3 और BS6 सितंबर 2023 तक का मॉडल, जे सीरीज से पहले वाले मॉडल, इलेक्ट्रा के अलॉय व्हील्स इसका नाम होता है, कोड कहते हैं इलेक्ट्रा। लग जाएंगे आपकी इलेक्ट्रा, BS3, BS4, उसके बाद आपकी BS6 स्टैंडर्ड, या सभी स्टैंडर्ड्स के अंदर अप टू सितंबर 2023 तक का जो मॉडल था, इसमें सब में लग जाते हैं इलेक्ट्रा के। इसके बाद जो बात आती है क्लासिक सिंगल डिस्क, जो हमारी BS3, BS4 तक आई थी, क्लासिक सिंगल डिस्क के बाद आता है क्लासिक डबल डिस्क, ये सारे ओल्ड मॉडल हैं। इसके बाद हमारे पास बाइक्स आती हैं जो रीबॉर्न यानी क्लासिक 2022 के बाद, या स्टैंडर्ड 2023 एंड के बाद, जो जे सीरीज कहते हैं। इनमें दो मॉडल्स हैं हमारे पास, इसमें आता है सिंगल डिस्क और डबल डिस्क, जैसे जिसे क्लासिक को रीबॉर्न भी कहते हैं या फिर न्यू स्टैंडर्ड भी कहते हैं, जे सीरीज वाला इंजन। तो बहुत सारी अलग अलग बाइक्स हैं, इन सभी बाइक्स के अलॉय व्हील्स आपको हमारे यहाँ मिल जाएंगे। तो डिजाइन की बात करते हैं, तो चलिए फटाफट देखते हैं क्या क्या स्टॉक और क्या क्या डिजाइन हमारे पास अवेलेबल है इन सभी बाइक्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, डिजाइन की बात करते हैं, तो फटाफट कैमरे को ऊपर लेके जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी रेंज स्टार्ट होती है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये दो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, इस दो नंबर का मतलब है सभी के सभी अलॉयज रहने वाले हैं, इलेक्ट्रा के लिए रहने वाले हैं, या फिर जो हमारी स्टैंडर्ड होती है BS4 अप टू BS6 इसके लिए रहने वाले हैं, जो ओल्ड स्टैंडर्ड थी। इस सभी के सभी डिजाइन आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, 3 ओपन 3S मिल रहा है, उसके बाद सिल्वर कलर के अंदर आगे आ जाते हैं, यहाँ पे फुल CNC मर्सिडीज वाला लाइन वाला ऑप्शन मिल जाता है, ब्लैक और सिल्वर के, ब्लैक और CNC, और इसके अंदर सिल्वर और CNC भी कलर मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मर्सिडीज है, चौड़ी पट्टी के अंदर ब्लैक यहाँ पे मिल जाएगा, इसमें सेम सिल्वर कलर भी मिल जाता है। अगला डिजाइन आता है यहाँ पे मिल जाएगा, 3 तलवार 3S वाला जिसे कहते हैं, इसमें सिल्वर भी मिलेगा, अभी आपको दिखाएंगे। कंपनी की बात करूं आपको, पराडो का, पजारो का, किंगवे, रेस बाय, रॉयल एराडो और सभी कंपनीज के अलॉय मिल जाएंगे। आगे बात करेंगे कंपनीज में क्या क्या डिफरेंस होता है, क्यों कंपनीज के नाम लेके जाके ज्यादा प्रमोट किए जाते हैं और क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों डाउट नहीं करना चाहिए। तो लेकिन उससे पहले हम डिजाइन देख लेते हैं एक बार फिर से। तो यहाँ पे 3 तलवार के बाद मर्सिडीज ब्लैक, फुल ब्लैक के अंदर मिल जाता है, क्रोम का इसका, CNC का इसका आउटर रिम मिल जाएगा। आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमारे को इलेक्ट्रा के अंदर या सिंगल डिस्क स्टैंडर्ड के अंदर मिल जाता है हमारे को 13 स्पोक CNC वाला जैसा OEM डिजाइन आता है। उसके आगे चलते हैं तो फिर हमारे को पराडो का आप डिजाइन देख रहे हैं, फुल CNC 3 ओपन जैसा हमने पहले सिल्वर दिखाया था, वो हमारे को मिल जाता है। इसके बाद आगे बात करते हैं तो हमारे को यहाँ पे मिल जाता है मर्सिडीज लाइन वाला अलॉय ब्लैक कलर के अंदर, यहाँ मिल जाता है रेस बाइक की ब्रांडिंग मेड इन इंडिया अलॉय है दोस्तों। आगे इनके बारे में बात करेंगे कि कौन सी कंपनी क्या बन रहा है, कहाँ से अलॉयज आ रहे हैं। इसके बाद आगे मैंने 3 तलवार आपको ब्लैक दिखाया, तो यहाँ पे हमारे को सिल्वर 3 तलवार मिल जाता है। फिर मतलब सभी डिजाइन यहाँ मर्सिडीज सिल्वर आ गया है, तो ये सभी के सभी जो डिजाइन आपको दिखाए हैं ये मिल जाते हैं हमारे को स्टैंडर्ड BS4, BS6, जे सीरीज इंजन से पहले वाले, या फिर इलेक्ट्रा के अलॉय जिसे हम कहते हैं सिंगल डिस्क, सीधे पैर वाली, उल्टे पैर वाली इलेक्ट्रा आती है, आगे डिस्क लगी हुई है तो उस पर भी अलॉय लग जाएंगे। लेकिन उसमें S वाले अलॉय अगर आप ले रहे हैं तो उसकी रोटेशन आप प्रॉपर चेक करके लीजिएगा, उनके लिए अलग से अलॉय आते हैं। लेकिन ये जो अलॉय है अगर आप सीधे वाले लेते हैं, 13 लेते हैं, मर्सिडीज लेते हैं, ये वाले जो अलॉय है आपकी बाइक चाहे सीधे पैर की हो चाहे उल्टे पैर की हो, इलेक्ट्रा हो, आगे डिस्क ब्रेक है, सब में लग जाएंगे। या फिर आपके पास बिग ड्रम की बाइक है, आप उसमें अलॉय लगवाना चाहते हैं और डिस्क ब्रेक लगवाना चाहते हैं, उनमें भी लग जाएंगे। इसके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि एक हमारे स्टोर पे भी एक चल रही है, काम चल रहा है, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। इसके बाद बात करते हैं, पैन करते हैं कैमरा को, यहाँ पे आप जो रेंज देख रहे हैं क्लासिक की रेंज अब आ जाती है, यानी क्लासिक जिसे हम कहते हैं सिंगल डिस्क क्लासिक। साइड से शुरू करेंगे तो यहाँ पे एक डबल स्टार वाला मॉडल देख रहे हैं आपको, ये मिल जाएगा। अगर हमारे स्टोर पे आ रहे हैं तो 3 नंबर आप कोड लगा हुआ देखते हैं,
तो तीन नंबर का मतलब है ये सभी के सभी क्लासिक सिंगल डिस्क BS4 तक के अलॉयज आपको मिल जाएंगे, डबल स्टार मिल जाएगा, उसके बाद मर्सिडीज मिल जाएगा चौड़ी पट्टी वाला, उसके बाद आप देख रहे हैं तीन तलवार सिल्वर मिल जाएगा, 3S के अंदर तलवार के अलावा डबल लाइन वाला ये अलॉय डिजाइन मिल जाएगा अगर आप देख पा रहे हैं, उसके बाद तीन तलवार ब्लैक मिल जाएगा, मर्सिडीज लाइन वाला मिल जाएगा ब्लैक कलर और सिल्वर कलर के अंदर, मर्सिडीज सिल्वर के अंदर चौड़ी पट्टी मिल जाएगा, 24 स्पोक्स के अंदर डबल पट्टी CNC मिल जाएगा, PC के अंदर हमारे को 20 वेव 30 वेव और UV डिजाइन भी मिल जाते हैं, आगे हम कैटलॉग में सारे डिजाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गए हमारे पास आपको क्लासिक और इलेक्ट्रा के डिजाइन, और जो मैंने आपको क्लासिक सिंगल डिस्क के डिजाइन दिखाए ये सभी के सभी डिजाइन आपको मिल जाएंगे क्लासिक डबल डिस्क या फिर जिसे हम थंडरबर्ड कहते हैं अप टू BS6। जी हाँ दोस्तों, BS6 अप टू का मतलब यही है कि हमारी जो पुराने वाली क्लासिक जो बंद हो चुकी है यानी 2022 तक जो मॉडल आता था और स्टैंडर्ड 2023 सितंबर तक, ये सभी के सभी अलॉयज उन बाइक्स के लिए कंपैटिबल है। BS6 के कंफ्यूज मत होइएगा, और BS7 कई बार लोग बोलते हैं BS7 को कोई गाड़ी नहीं है, जो अभी जो बाइक्स आ रही हैं वो भी BS6 है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ J सीरीज के नाम से आप याद कर सकते हैं, जिसे क्लासिक रीबॉर्न कहते हैं या जिसे क्लासिक स्टैंडर्ड न्यू मॉडल भी कहते हैं। इसमें भी आपको डबल डिस्क और सिंगल डिस्क के डिजाइन मिल जाएंगे। तो अभी आपको हमने दिखाए क्लासिक सिंगल डिस्क, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रा सिंगल डिस्क और क्लासिक डबल डिस्क के बारे में डिजाइन दिखाए। अब आपको एक दिखाता हूं इनमें और क्या क्या डिजाइन मिल जाते हैं, तो एक बार कैटलॉग पे नजर मारते हैं फटाफट जल्दी से, फिर बात करेंगे कंपनीज के बारे में। तो जब आप हमारे स्टोर पे आएंगे तो आप देखेंगे ऐसे कैटलॉग हम आपको दिखा सकेंगे, अलग अलग कंपनी के कैटलॉग होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे लिखा है अलॉय व्हील्स फॉर रॉयल एनफील्ड, ब्रांडिंग यहाँ पे आ जाएगी, उसकी बात भी करेंगे आगे चल के। तो यहाँ पे आप डिजाइन देख रहे हैं, तो आगे चलते हैं तो यहाँ पे अलग अलग मॉडल्स यहाँ मिल जाएंगे, कुछ मॉडल जिनमें से मैं आपको दिखा चुका हूँ, जैसे ये मॉडल आप देख चुके हैं, मर्सिडीज देख चुके हैं, 3 ओपन CNC फुल वाला देख चुके हैं, ब्लैक क्रोम के अंदर ये देख चुके हैं, या सिल्वर आप ये देख चुके हैं। इसके आगे अलग अलग ये सभी मॉडल्स 20-30 मैंने आपको बताया जब हमारे को मिल जाता है, क्लासिक सिंगल डिस्क के अलॉय है, यहाँ पे ब्रांडिंग के साथ आपको सारा यहाँ पे मिल जाएगा, डिटेल्स मिल जाएंगी। और खास बात बता देता हूँ, सभी के सभी जो अलॉयज अभी आपको मिलेंगे सारे ABS वाले मिलेंगे, अगर आपकी बाइक में ABS है बहुत बढ़िया, नहीं है तो चिंता नहीं करिएगा, ये अलॉयज ABS नॉन ABS दोनों गाड़ियों में लग जाते हैं। तो आगे कैटलॉग में चलते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अलग अलग डिजाइन मिल जाएंगे, अगर आप ऑनलाइन हमारे को ये यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, दिल्ली के बाहर से देख रहे हैं, इनमें से कोई अलॉय आप लेना चाहते हैं तो आप वीडियो में से स्क्रीनशॉट लेके क्रॉप करके हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। यार जो भी हमारे स्टोर पे आएंगे, जो हमारा स्टोर है सैंस क्लासिक पार्ट्स करोल बाग नाई वाला सैंस मोटोशॉप हमारा स्टोर का नाम है, दिल्ली 5 बैंक स्ट्रीट पर हमारा स्टोर है, वहां पे आएंगे तो आप ऐसी अलग अलग कैटलॉग या जो भी हमारे पास स्टॉक होगा हम आपको दिखाएंगे, आप चूज करके अपने बाइक पे अपने हिसाब से अलॉयज लगवा सकते हैं। तो आगे कैटलॉग दिखाता हूं मैं आपको, यहां क्लासिक सिंगल डिस्क ABS यहां पे चल रहा है, सारा का सारा अलॉयज आप देख रहे हैं, अलग अलग मॉडल्स हैं, कुछ ऑन ऑर्डर चल रहे हैं, जैसे कलर्ड वाले जो डिजाइन है ये ऑन ऑर्डर आते हैं, कुछ अभी डिसकंटिन्यू भी हो चुके हैं, लेकिन दोबारा से हम कोशिश करके लेके आएंगे आपके लिए। इसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे नाम हो गया है चेंज, यहाँ पे एक क्लासिक डबल डिस्क विद ABS या आपके पास आ गया है, या नॉन ABS अगर डबल डिस्क पुरानी आते तो तब भी मिल जाएंगे, सभी अलॉयज ऐसे ही कैटलॉग आपको मिल जाएगा। ये सभी अलॉयज आप फटाफट एक बार नजर मार सकते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप वीडियो में आप ले लीजिएगा फटाफट। तो ये हो गए एक कंपनी का मॉडल यहाँ पे हो गए। इसके बाद अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो हम आपको दिखाएंगे, आगे बात करेंगे कंपनीज के बारे में, इसको रख देते हैं साइड पे एक बारी, और आगे हम बात करेंगे जो अब न्यू मॉडल्स है, मैंने आपको ओल्ड मॉडल सभी दिखा दिए। बिग ड्रम के अंदर डिजाइन अवेलेबिलिटी के ऊपर होते हैं, मर्सिडीज मिल जाता है, 3 ओपन मिल जाता है, ऐसे कुछ डिजाइन एस वाला मिल जाता है, ऐसे कुछ डिजाइन हमारे को ओल्ड मॉडल के अंदर मिल जाते हैं, और अगर और पुराने जाते हैं जैसे उल्टे पैर वाली बाइक होती है उसमें भी गिने चुने हमारे को डिजाइन मिल जाते हैं। तो अब बात करते हैं रीबॉर्न के अंदर हमारे को या जो न्यू स्टैंडर्ड या न्यू क्लासिक जो जे सीरीज इंजन वाली जो बाइक्स आ रही हैं उसके अंदर हमारे को क्या क्या मिलता है, आइए उसके पे एक नजर मार लेते हैं। तो बात करते हैं रीबॉर्न के डिजाइन की, तो यहाँ पे जो आप डिजाइन देख रहे हैं सभी के सभी जो मॉडल्स हैं ये आपके मिल जाएंगे जे सीरीज या रीबॉर्न क्लासिक या न्यू स्टैंडर्ड जे सीरीज जो 2023 एंड में जो लॉन्च हुई है उनके लिए डिजाइन हमारे को मिल जाएंगे। मर्सिडीज मिल जाएगा चौड़ी पट्टी में, ये मिलेगा हमारे को डबल डिस्क के लिए और सिंगल डिस्क के लिए, इसी के अंदर हमारे को सिल्वर वाला मिल जाएगा डबल डिस्क और सिंगल डिस्क दोनों के लिए, इसके अलावा हमारे को 10 स्पोक्स मिल जाएगा डबल डिस्क और सिंगल डिस्क दोनों के लिए, और अभी आप सामने देख रहे हैं 20 और 30 ये भी मिल जाएंगे आपको डबल डिस्क के लिए, इसमें ब्लैक और फुल CNC दोनों कलर मिल जाते हैं। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड या क्लासिक रीबॉर्न सिंगल डिस्क के लिए जो न्यू मॉडल है, सिंगल डिस्क में इन सभी के अलावा एक डिजाइन एक्स्ट्रा मिलता है, वो है 3S तलवार वाला ब्लैक में और 3S तलवार वाला सिल्वर में, ये जो दो डिजाइन है ये एड ऑन है क्लासिक रीबॉर्न सिंगल डिस्क और न्यू स्टैंडर्ड सिंगल डिस्क के अंदर, इन सभी के अलावा ये जो डिजाइन एक्स्ट्रा हमारे को मिल जाता है। तो हमारे पास अभी चार चार ऑप्शंस हैं दोनों न्यू बाइक्स के लिए
लिए, न्यू मॉडल्स के लिए ज्यादा नहीं है। और खास बात, अगर आप हंटर ले रहे हैं, बेस मॉडल ले रहे हैं, ये सभी के सभी मॉडल जो सिंगल डिस्क हंटर आती है उनके अंदर भी कंपैटिबल है। सिर्फ और सिर्फ करना ये है, आपको सिर्फ टायर्स दोनों चेंज करने पड़ेंगे। एक वीडियो इसके रिगार्डिंग हम ऑलरेडी बना चुके हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, कोशिश करेंगे झलक दिखा दे अगर मौका लगेगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहां जाके पूरे वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि हंटर के अंदर अगर आप अलॉय डलवाना चाहते हैं तो कैसे हो सकता है। सिंगल डिस्क के अंदर डायरेक्ट लग जाते हैं, डबल डिस्क के अंदर भी डायरेक्ट लग जाते हैं अगर आप अलॉय चेंज करना चाहते हो, नहीं तो बेस मॉडल के अंदर ये सभी के सभी डायरेक्ट फिट हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको टायर्स चेंज करने पड़ेंगे अपने। तो उन सभी डिजाइन के अलावा, जैसे मैंने बताया कि आपको सिंगल डिस्क और रीबॉन डबल डिस्क या स्टैंडर्ड जो न्यू है उनके अंदर आपको अलग अलग डिजाइन ऐसे मिल जाएंगे। जैसे आपको 10 स्पोक्स में फुल सीएनसी वहां दिखाया, इसमें फुल ब्लैक मिल जाएगा हमारे को, 20 स्पोक्स यहाँ पे सीएनसी मिल जाएगा और 20 स्पोक्स फुल ब्लैक मिल जाएगा। ऐसे डबल डिस्क में 10 मिल जाएगा सीएनसी आपको दिखाया मैंने, ब्लैक मिल जाएगा 10 में, 20 स्पोक्स सीएनसी मिल जाएगा फुल सीएनसी और 20 स्पोक्स फुल ब्लैक में मिल जाएगा। सभी मॉडल उन 4-3 मॉडल के अलावा भी यहाँ पे एड ऑन हमारे को मिल जाते हैं। रीबॉर्न सिंगल डिस्क या स्टैंडर्ड जो न्यू मॉडल सिंगल डिस्क और रीबॉर्न डबल डिस्क या न्यू मॉडल स्टैंडर्ड डबल डिस्क, ये उनके अलावा अलग अलग मर्सिडीज और 3S के अलावा ये अलग से डिजाइन आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अभी आपको मैंने रीबॉर्न तक के यानी पुराने मॉडल से लेके क्लासिक रीबॉर्न या न्यू स्टैंडर्ड तक के सभी अलॉयज के बारे में बताया कि कौन कौन से डिजाइन मिल जाएंगे। अगर हमारे स्टोर पे आएंगे तो कैटलॉग कैसे आप देख सकते हैं, अलग अलग कंपनीज कौन सी मिल जाएंगी, सब मैंने आपको बताया वीडियो के अंदर। लेकिन अब बात करते हैं कौन सी कंपनी लगानी चाहिए, कौन सी नहीं लगानी चाहिए। तो सबसे पहले तो एक बात बता देता हूँ, 90% से ज्यादा जो माल अभी मार्केट में बिक रहा है वो सारा का सारा माल इम्पोर्टेड है, यानी मेड इन चाइना है। जी हाँ दोस्तों, 90% स्टॉक अभी भी मेड इन चाइना है, 10% या थोड़ा सा उससे ज्यादा अब इंडिया में स्टॉक आ चुका है। एक झलक मैं उसकी अभी आपको दिखा देता हूँ। अब आप देख रहे हैं जो ये बॉक्सेस जो है यहाँ पे मेड इन इंडिया, प्राउडली मेड इन इंडिया यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हो। ये कुछ डिजाइन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, कंपनी का नाम भी आप यहाँ पे देख रहे हो, ये मिल जाएंगे और कुछ एक दो कंपनी के और डिजाइन आ चुके हैं जो मेड इन इंडिया है। और इसका डाउट मत करिए, चाहे आप लीजिए पराडो का, चाहे लीजिए पजैरो का, चाहे लीजिए रॉयल अराडो, कोई भी लीजिए, अगर ये माल अगर मेड इन इंडिया नहीं है तो मेड इन चाइना माल है। मेड इन इंडिया माल बॉक्स पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, अगर नहीं है तो सारा इंपोर्टेड है। और सभी के पास, सभी कंपनियों के पास सेम प्रोडक्ट्स है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज चेक करनी है, उसका है वेट। अगर वेट सेम आ रहा है तो डाउट मत करिए कौन सी कंपनी है, क्योंकि कोई भी कंपनी चाइना से उठ के यहाँ पे आके आपको वारंटी नहीं देगी। वारंटी आपको सेलर वारंटी मिलती है, हम यहाँ पे वारंटी दे रहे हैं या मेरे अलावा कोई और बेच रहा है दुकानदार तो वो आपको वारंटी दे रहा है। तो इससे धोखा मत खाइए कि कंपनी अच्छी है, कोई इसके बारे में वो बोल रहा है, कोई इसके बारे में वो बोल रहा है। हर दुकानदार दूसरे दुकानदार के बारे में कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, आपको जहाँ भरोसा हो रहा हो वहां से आप काम कराइए। मैं सीधी सी बात, मैं पहले भी बोला था, बाइक आपकी है, चॉइस आपकी है, पैसे आपके हैं, जान आपकी है, जो भी साथ में बैठेगा वो भी आप ही का है, तो प्लीज चूज वाइजली। तो जहां भी आपको भरोसा हो, जो डीलर आपको अच्छा लग रहा हो, जिनका व्यवहार अच्छा लग रहा हो, जिनका प्राइस अच्छा लग रहा हो, वहां से आप काम कराइएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन खुला है, बताइएगा जरूर। अलॉय व्हील्स के बारे में जो सभी मैंने आपको मॉडल्स बताए, जो भी मैंने बातें बताई, कोई और क्वेरी है अलॉय व्हील्स को लेके कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके पूछ ही सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, या कोई नया आप हमारे लिए वो फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आया हो, हमारा प्रोडक्ट अच्छे लगे हो, हमारी बात अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाले दिनों में ऐसे ही प्रोडक्ट हम लेके डायरेक्टली आप तक पहुंच सके। तो बेल आइकन को भी साथ में साथ क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम नया वीडियो लेके आए आपके पास हम डायरेक्टली पहुंच सके। तो जाते जाते बस एक ही बात कहना चाहूंगा, जुड़े रहे, बने रहे, देखते रहे आपके अपने फेवरेट स्टोर सेंस क्लासिक पार्ट्स को।